देश और दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन भारत में आज भी रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। कई रीति रिवाज तो चलिए ऐसे हैं जिन्हें सुनकर उन्हें मानने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यकीन मानिए आज भी देश में कई ऐसे रीति रिवाज आज भी चले आ रहे हैं जिन्हें सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। दरअसल आज हम आपको जिस रिवाज के बारे में बताने जा रहे हैं उसे जानने के बाद आपको पता चलेगा कि आज भी भारत से विकासशील देशों में महिलाओं की हालत क्या है। यहाँ हम आपको जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के चंबल में। बताया जाता है कि चंबल में प्रचलित एक कुप्रथा के अनुसार यहाँ आज भी महिलाओं को पुरुषों से दबकर रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, सुनकर भी आपका रक्त खौल उठेगा, लेकिन इस कुप्रथा के अनुसार आज भी अगर कोई महिला पुरुषों को देख लेते उन्हें सबसे पहले उनके पैरों में अपनी चप्पल हाथ में उठा लेनी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं को ऐसी क्या विवशता, क्या मजबूरी है जिसके चलते उन्हें ये सब करना पड़ता है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में आमेठ गांव है। इस गांव में औरतें मर्दों के सामने चप्पल उतार कर नंगे पैर चलती हैं। जानकारी के लिए बता दें तो लगभग 1200 की आबादी वाले इस गांव में महिलाओं की आबादी महज 500 के तकरीबन है। आपको बता दें इस गांव में पानी का भीषण अकाल है, इसलिए महिलाओं को यहां तड़के सुबह 4 बजे ही घरों से निकलकर पानी का इंतजाम करने जाना पड़ता है। औरतें पानी के बर्तन लेकर 1.5 किलोमीटर दूर पानी के झरने की तरफ जाती हैं। ऐसे में घर से निकलते ही उन्हें चप्पल पांव में ना पहनकर हाथ में लेना पड़ता है कि कहीं घर या रास्ते में या पड़ोस में कोई पुरुष देख ना ले। वहीं रास्ते में कोई मर्द मिल जाए तो उसके सामने भी नंगे पैर ही चलना पड़ता है। आज जरा खुद सोचिए, परिवार के लिए इतना संघर्ष करने वाली इन महिलाओं को इतनी मशक्कत के बाद भी इज्जत नहीं मिलती। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।